मध्य प्रदेश शीलाकटनी तहसील झीमर खेड़ा की ग्राम पंचायत खंडवारा में प्रस्तावित कार्य को कराए जाने के लिए सब इंजीनियर पंकज शुक्ला ने किया साफ इनकार। बता दें कि यह मामला ग्राम पंचायत ग्राम खंडवारा का है, जिसमें 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों एवं पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय लेते हुए नवीन तालाब बनवाए जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ग्राम खंडवारा की खसरा नंबर 282 में नवीन तालाब बनवाने हेतु ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण दस्तावेज संबंधी उपयंत्री श्री पंकज शुक्ला जी को दी गई, जिसमें सब इंजीनियर पंकज शुक्ला जी के द्वारा ये कहकर के फाइल वापस कर दी गई कि ये स्पॉट तालाब बनाने के योग्य नहीं है, और इनके द्वारा ये भी बोला गया कि उच्च स्तर के अधिकारियों से जांच करवा लीजिए। इस तरह सब इंस्पेक्टर सब इंजीनियर पंकज शुक्ला जी का तालाब निर्माण न कराए जाने से हम ग्रामीणों का एक रोजगार छिन जा रहा है, हम ग्रामीणों के साथ अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, जबकि ग्राम खंडवारा में खसरा नंबर 282 के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ तालाब बनवाया जाए। एक तरफ सरकार मजदूरों को एनर्जी के तहत 150 दिन काम देने की बात कह रही है, दूसरी तरफ वही शासन के कर्मचारी ही रोजगार के खिलाफ हैं। आपका शुभ नाम? संजीव वर्मन। ग्राम पंचायत खंडवारा। क्या समस्या? समस्या ये है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत ग्राम सभा में, हमारी खंडवारा की ग्राम सभा में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें एक तालाब का वो आया है बंधने के लिए शासन के द्वारा, तो पंचायत में प्रस्ताव भी पारित हो गया है और खसरा नंबर 282 में तालाब बनवाने के लिए पंचायत ने अनुमोदित भी कर दिया है, लेकिन संबंधित इंजीनियर जो हैं श्रीमान पंकज शुक्ला जी, उनके द्वारा जो स्टाफ पंचायत स्वीकृत कर रही है, तो उनका कहना है कि यह स्पॉट तालाब बनाने योग्य नहीं है, जबकि हमारे खंडवारा में केवल खसरा नंबर 282 ही एक ऐसा स्थान है जहाँ की तालाब बनाया जा सकता है, लेकिन इंजीनियर की कुछ लापरवाही और द्वेषपूर्ण रवैया सामने आ रहा है, जिससे कि तालाब बनने में दिक्कत हो रही है, और तालाब यदि नहीं बनता तो हमारे गांव में बेरोजगारी तो वैसे ही फैली है, हमारे गांव की पब्लिक जो है दूसरे गाँव पलायन कर रही है, मजदूर वर्ग यहाँ मजदूरी का एक कोई जरिया नहीं है, 14 से 15 लाख रुपए शासन दे रही है इस कार्य को बनाने के लिए, तो हमारा शासन प्रशासन से सभी विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे गांव में तालाब बनवाएं, जिससे हमारे गांव की पब्लिक को रोजगार मिले।